जिको प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है आए ऋतु राज तो बिसार सब काज कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती हंसा के जल बत जीवन को चेतन चाटा बदल गया आगा। आगा। सर, ड्राइवर के साथ भाग गई भाग गई जी भाग गई अरे कोई बात नहीं उसे तो बचपन से भागने का शौक है, है? सतमोला का कुछ भी पचा हर पल मस्ती और रंगीन विदमोला नमकीन बेटर है नथिंग सत्मोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल पनीर भुजिया भी कमाल इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सत्मोला नमकीन सत्मोला स्वीट्स और स्वीट नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ सत्मोला नमकीन सीएम साहब हमारे तीस विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए हवाब सीएम नहीं रहे तो अब नया सीएम कौन बन रहा है चल सतमुला खाओ कुछ भी बचाओ सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल साहित्यिक चौपाल सतमोला कवियों की चौपाल का आज जो दायरा केवल भारत ही नहीं वरण विदेश के सुदूर क्षेत्रों में हमारा जा चुका है सतमौला कमियुग चौपाल में कनाडा से यूएस से और रोमानिया से पता नहीं कहाँ कहाँ से पूरा यूरोप में हमारा कार्यक्रम जा चुका है वहाँ से हमारे प्रतिनिधि आते हैं हमारे कविता कार्यक्रम में कविता पाठ करते हैं सतमोला कवि चौपाल आज ये हमारा सोलहवें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं इसमें कई हमारे एपिसोड आ भी चुके हैं सतमोला कवि चौपाल का ये हमारा आज परम सौभाग्य है कि आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद से ही जुड़े अखिल भारतीय साहित्य परिषद से संबंध हमारी जो इकाई है दिल्ली की उसके माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र गौड़ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं साहित्य परिषद के वो संस्थापक सदस्यों में से भी हैं दिल्ली में साहित्य परिषद की उसमें आ, स्थापना में जब उनका अमिट अपना योगदान है या जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें साथ ही उनका एक परिचय ये भी होता है कि वह पूर्व में काफ़ी अनेक वर्षों तक एक दशक तक दिल्ली हिंदी अकेदमी के आप डायरेक्टर भी रहे और निदेशक रहे और साथ ही साथ वर्तमान में काफ़ी समय से आप पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के आप चेयरमैन भी हैं आपके नेतृत्व में गली गली में भाषण प्रतियोगिता अलग अलग स्वच्छता अभियान भारत मोदी जी का जो अपना अभियान है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत उसके अंतर्गत कितने अनेक कवि सम्मेलन करा चुके हैं उस माध्यम कवि सम्मेलन के माध्यम से कई दूर दूर से हमारे दिल्ली से बाहर से भी हम कवियों को आमंत्रित करते हैं उनको आप काव्य पाठ का मौका दे चुके हैं मैं सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा या ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर रामशरण जी का सबसे पहले मैं सतमोला कवियों की चौपाल के आयोजकों को विशेष रूप से प्रवीणार और उनकी सभी दल को बधाई देता और उनका आभार भी प्रकट करता हूं। 16 वर्ष से ए, इस सतमौला कवियों की चौपाल को चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा राष्ट्रभाव और सांस्कृतिक भाव है वसुधई कुटुमुकम है जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि विदेश के लोग भी हमारे से जुड़ रहे हैं और उस धारा से जुड़ रहे हैं जो एक संदेश देते हैं अपना क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि कविता केवल मनोरंजन का साधन है कविता सीधे लोगों पर प्रभाव डालती है उनका हृदय भी परिवर्तन करती है और हमारे यहाँ काव्य शास्त्र के आचार्य रहे हैं आचार्य मम्मट कश्मीर से संबंध रखते थे उन्होंने काव्य के संबंध में साहित्य के संबंध में पंक्तियाँ कही हैं काव्यम यश से व्यवहार विदे जो काव्य है साहित्य है कविता कार्य के यश का तो साधन है लेकिन इसके साथ साथ वो व्यवहार भी सिखाती है सामाजिक व्यवहार सिखाती है वो अपने संदेश के माध्यम से हम भारत के प्राचीन परिदृश्य को स्मरण करें तो दो पड़ाव ऐसे रहे हैं जो कवियों ने इस भारत के समाज में भारत में परिवर्तन लाया और इसके साथ ही विश्व में अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का संदेश भी भेजा पहला पड़ाव रहा है हमारा संत साहित्य का मध्ययुग का जिसमें तुलसी रैदास मीरा पूरे भारत के जितने भी कवि हुए उस धारा को उन्होंने आगे बढ़ाया दूसरी धारा हमारी स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था स्वतंत्रता के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे तो राष्ट्रीय धारा आई जिसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन आपके इसके साथ साथ सोहनलाल द्विवेदी यहाँ तक के श्याम वो नारायण पांडे ये इस धारा को प्रभावित कर रहे थे और लोगों को जागृति ला रहे थे घर घर में इस प्रकार की कविताएं रची जा रही थीं सुनी जा रही थी अब जो वर्तमान समय है जो परिदृश्य है कुछ लोगों के द्वारा समाज में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ नैतिक रूप से भी कमज़ोर करने की भ्रांतियाँ जो हमारी वसुदही कुटुंबक का एक संदेश था उसको कमजोर करने की भ्रांतियाँ राष्ट्रीय भाव की भ्रांतियाँ अपने अपने स्वार्थों के लिए अपने अपने सत्ता मोह के लिए दलगत राजनीति के लाभ के लिए कर रही हैं इन सारी बातों को इसमें कवियों को के सामने बहुत बड़ी चुनौती है वह चुनौती है कि हम अपने राष्ट्रीय भाव को जो हमारी परंपराएं रही हैं और गौरवशाली परंपराएं रही हैं क्योंकि भारत ने विश्व को जोड़ा है विश्व गुरु का स्थान प्राप्त किया वह उन जीवन मूल्यों के आधार पर उन सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर उस राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर उस वस्तैब कुटुंब के मूल्यों के आधार पर पूरे संसार में फैलाया जोड़ने का प्रयास किया तो कवियों से इस समय सबसे बड़ी अपेक्षा ये की जाती है और उसमें सतमोला कवियों की चौपाल में जो कवि आ रहे हैं उनकी कभी कभी मुझे कविताएं सुनने का अवसर मिलता है और उस धारा को ये प्रवाहित कर रहे हैं मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ अपनी और कामना करता हूँ कि ये धारा निरंतर चलती रहे और विश्वव्यापी चेतना बने भारत में तो ये चेतना जाई जाए लोगों तक और उसके बदलाव की कड़ी में लोग जुड़ें और भारत के समाज को भारत के राष्ट्र को कैसे गौरवशाली कैसे सुदृढ़ और महान बनाया जाए कैसे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा अस्मिता स्वाभिमान को प्राप्त करे ये कवियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस प्रकार की कविताएं हमारे सामने आएंगी लोगों तक जाएंगी ये मेरी कामना है देश के सुप्रसिद्ध ओजस्वी कवि मेनपुरी से मनोज चौहान जी बहुत ही सिद्धस्त साक्षर हैं मैं उनको आमंत्रित करता हूं जा जो जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करें अपने वरिष्ठ कवि को शारदे को प्रणाम करता हूं समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ सतमोला कवियों की चौपाल को नमन करता हूँ साथ ही साथ आदरणीय प्रवीण आर्य सर को प्रणाम करता हूँ और इस प्रांगण में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों को प्रणाम करता हूँ चार पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूँ जो मेरे परिचय की पंक्तियां हैं जिन पंक्तियों से मैं वायरल हुआ हूँ चार पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ वतन की आन जिंदा है वतन की शान जिंदा है वतन की आन जिंदा है वतन की शान जिंदा है मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है वतन की आन जिंदा है वतन की शान जिंदा है मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है अभी तक अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है कितने चार पंक्तियां देता हूं और उस तेवर की देता हूं मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि आप बहुत तीखा पड़ते हो लेकिन मेरा तेवर सर वही रहा मैं वहां से चार पंक्तियां उठाता हूं कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर कितने कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर कितने कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर जिसको लिखने जिसको लिखने गीत अरे लिखे वो गद्दारी करतूतों पर जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर मेरी कलम मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर और चार पंक्तियां यहां से उठाता हूं मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर और चार पंक्तियां देता हूं कि जिसने बोए हैं हमीद अश्फाक हिंद की माटी में जिसने कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा कोई कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के दादा नई पंक्तियां हुई हैं निवेदन करता हूं कोई कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के यानी यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के जिसने बोए हैं हमीद जिसने जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माऊंगा चरण पीऊंगा जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ के और चार पंक्तियां वहां से उठाना चाहता हूं जो मेरे भारत का राम और रहीम का यह सुंदर देश कहाँ था और कहां पर पहुंच गया जिस रचना के लिए आमंत्रित किया गया हूं वो रचना आपके बीच में रखता हूं उससे पहले चार पंक्तियां भूमिका की पढ़ता हूं कि राम रहीम बा, इशारा करता हूं इशारा पकड़ना साहब राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए शेखर सुभाष अशफाकुल्ला की हर कुर्बानी बेच गए राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए शेखर सुभाष अशफाकुल्ला की हर कुर्बानी बेच गए ऊंचे ओहदे वाला तुमको ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दू राजगुरु सुखदेव भगत की आप जबानी बेच गए राजगुरु सुखदेव भगत की ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दू राजगुरु सुखदेव भगत की आप जबानी बेच गए अब वो रचना पढ़ता हूं पंद्रह वर्ष की अवस्था साहब कोई अवस्था नहीं होती है और पंद्रह वर्ष की अवस्था में जब एक व्यक्ति आजादी के समर में कूद जाता है तो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अपनी कहानी अंकित कर जाता है मैं बात करना चाहता हूं उस चंद्रशेखर आजाद की जो मात्र पंद्रह वर्ष की अवस्था में आजादी के समर में कूद गया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर गया वहां से कविता उठाता हूं आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुनो आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुनो जो बुझी नहीं है बुझ कर के भी कैसी थी वो आग सुनो आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुनो जो बुझी नहीं है बुझ कर के भी कैसी थी वो आग सुनो मां जगदेवी ने जो जाया माँ जग देवी ने जो जाया उस पर कुदरत बलिहारी थी श्री सीता राम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी माँ जगदेवी ने जो जाया उस पर कुदरत बलिहारी थी, श्री सीता राम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी वो चिंगारी वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के समरांगण में जो धड़क उठी थी वर्ष की आयु लिए बालक बांध कर अपने घर से निकला जब वो सेनानी आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी अल्प आयु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धदकाई अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई थर कोरे खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया जिसकी राष्ट्र भक्ति को लख अंग्रेजों ने आपा खोया चट्टानों से जिसकी राष्ट्र भक्ति को लख अंग्रेजों ने आपा खोया आजादी के आलिंगन को तत्पर थी ऐसे छाती जैसे दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा आजादी के आजादी के आलिंगन को तत्पर थी ऐसे छाती जैसे दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाती जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी एक ही सपना था चंद्रशेखर आजाद जी का भारत माता को आजाद कराना जिनकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थीं मातृभूमि के लिए मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थीं जिनकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थीं मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थीं इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था भारत भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है अक्षर अक्षर है शब्द कोश जिसकी उस अमर कहानी का दिक्कतान कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी सानी का बेखौफ बढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में भारत माँ की पीर सुनाती सुनाई देती जिसकी राहो में यह राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को भारत माता के नयनो से बहते गंगा के पानी राष्ट्र कभी ना भूलेगा सत्ता के मध में चूर रहे अब रचना उस पड़ाव पर पहुंचती है जहां से इतिहास के कुछ काले चिट्ठों को खोलती है कुछ कुछ सत्ता पाने के लोभी फिर इशारा कर रहा हूं साहब कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे सिंहासन पाने की खातिर जिसने की माँ से गद्दारी आजाद हुआ भारत तो बन बैठे ऊंचे अधिकारी सिंहासन पाने की खातिर जिसने की माँ से गद्दारी भारत आजाद हुआ तो बे बन बैठे ऊंचे अधिकारी अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के को, हम पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ सच्चाई बोल नहीं सकते मुंह पर है ताला चढ़ा हुआ सच्चाई बोल नहीं सकते मुंह पर है ताला पड़ा हुआ अपनों ने अपनों की ही अरे छाती में भाले भोंक दिए लाक्षा ग्रह में आग लगा कर वीर बांकरे अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले भोंक दिए लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए अब रचना कुछ गमगीन होती है साहब और अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है कहां पर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद एक विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए गए कविता में नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कविता इशारों का नाम होता है इशारा पकड़ना आपका काम है एक विशेष व्यक्ति से मिलने गए अल्फ्रेक पार्क का की वो जगह बता दी गई सब जानते हैं मैं उस स्टेज पर पहुंचना नहीं चाहता लेकिन अब अंतिम पंक्तियां पढ़ाना चाहता हूं जिस तरह कौरबों के दल में शकुनी के पास चले गए बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पास चले गए बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए शत्रु अनेक शत्रु अनेक।, अनेक तादात में उन गोरे अंग्रेजों की सेना गोरे अनेक आजाद एक फिर रूप सिंह धार लिया पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया जिस तरह जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पास चले गए बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए गोरे अनेक आजाद एक फिर रूप सिंह सा धार लिया पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया चल रही गोलियां धुआं धार करने शेखर को अंगीकार उस शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार उस शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार साहस असीम साधन सीमित साहस असीम, साहस की कमी नहीं थी हम नौजवानों के पास में साहस असीम साधन सीमित साहस असीम साधन सीमित आखिर वो वक्त चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया साधन असीम साहस असीम साधन सीमित आखिर वो वक्त चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया करबद्ध हुए मां को चूमा और अंतिम बार प्रणाम किया पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया करबद्ध हुए मां को चूमा और अंतिम बार प्रणाम किया माता मिट्टी बेटा मिट्टी माता मिट्टी बेटा मिट्टी मां ने बेटे को मिला लिया उस अंतिम गोली ने उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया भाँ भाँ। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया करबद्ध हुए मां को चूमा फिर अंतिम बार प्रणाम किया करबद्ध हुए और मां को चूमा अंतिम बार प्रणाम किया माता मिट्टी बेटा मिट्टी आखिर वो दौर चला आया माता मिट्टी बेटा मिट्टी माने बेटे को मिला लिया उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया आजादी के हवन कुंड में आहुत दे दी प्राणों की आजादी के हवन कुंड में आहुत दे दी प्राणों की अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी वाणों की अपने सिर पर आजादी का लिए हुए उन्माद गया पराधीन भारत से शेखर गया किंतु तो आजाद गया पराधीन पराधीन भारत से शिखर गया किंतु आजाद गया बहुत ही अच्छा हमारे बीच में पहले भी एक दो वर्ष पूर्व मनोज कुमार मंजू जी हमारे बीच में आ चुके हैं बड़े ही गंभीर कवि हैं गंभीर रचनाएं हैं मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं एक अपने हस्ताक्षर के लिए आए अपने काव्य हस्ताक्षर हमारे सामने प्र... हमारे मंच को प्रदान करें जो जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूँ मनोज कुमार मंजू प्रथम मैं शारदेय को प्रणाम करता हूँ उसके बाद सभी दर्शकों को नमन करता हूँ और रचना पढ़ने से पहले थोड़ी सी भूमिका बस इतनी सी कि जो हाल आज दिल्ली का है वो कभी कश्मीर का हुआ करता था तब मैंने ये रचना लिखी थी तो रचना देखें कि आज देश महफूज कहाँ है अपने ही गद्दारों से आज देश महफूज कहाँ है अपने ही गद्दारों से सीमा पर रड़ कर लेंगे निपटें कैसे धोखों से सीमा पर रड़ कर लेंगे निपटें कैसे धोखों से कौन कहे इन हैवानों की करतूतें कब होंगी कब कौन कहे इन हैवानों की करतूतें कब होंगी कम बच्चा बच्चा चीख रहा है और सभी की आँख नम बच्चा बच्चा चीख रहा है और सभी की आँख नम जुबा जुबा बोले फिर अब तो इनकलाब की बोलियाँ जुबा 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 बोले फिर अब तो इनकलाब की बोलियाँ अपने ही अपनों से खेलें आज खून की होलियाँ अपने ही अपनों से खेलें आज खून की होलियाँ और सरहद के रखवाले कीमत देशद्रोह की चुका रहे सरहद के रखवाले, सरहद के रखवाले कीमत देश द्रोह की चुका रहे कुछ जयचंद घरों में बैठे शीश देश का झुका रहे कुछ जयचंद घरों में बैठे शीश देश का झुका रहे अपनी धरती अपना आंगन हमें जान से प्यारा है कहते थे तब के हम कश्मीर लेके रहेंगे तब मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थीं कि अपनी धरती अपना आंगन हमें जान से प्यारा है कैसे बढ़ जाने दें इसको ये कश्मीर हमारा है कैसे बट जाने दें इसको ये कश्मीर हमारा है और घर 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 छुपी हुई हैं इन पत्थरबाजों की टोलियाँ घर घर छुपी हुई है पत्थरबाजों की टोलियां पत्थर अपने, अपने ही अपनों से खेलें आज खून की होलियाँ अपने ही अपनों से खेलें आज खून की होलियां पंक्तियाँ देखें सत्ता की चाहत ने इनको गिरा दिया है इतना क्यों सत्ता की सत्ता की चाहत ने इनको गिरा दिया है इतना क्यों लालच में कर बैठे देखो अपनी मां का सौदा क्यों लालच में कर बैठे देखो अपनी मां का सौदा क्यों अपने वीर जवानों के साहस पर इनको शंका है बोलते हैं कि सबूत दिखाओ तब मैं पढ़ता हूं अपने वीर जवानों के साहस पर इनको शंका है लेकिन दुनिया मान चुकी अपनी सेना का डंका है लेकिन दुनिया मान चुकी अपनी सेना का डंका है <s United> दुश्मन तो दुश्मन दुश्मन तो दुश्मन अपने भी दाग रहे हैं गोलियाँ दुश्मन तो दुश्मन अपने भी दाग रहे हैं गोलियाँ अपने ही अपनों से खेलें आज खून की होलियां अपने ही अपनों से खेलें आज खून की होलियां और पंक्तियां देखें कि दुनिया भी, भी पहचान चुकी आतंक किसी का सगा नहीं दुनिया भी पहचान चुकी आतंक किसी का सगा नहीं बचा नहीं ऐसा बचा नहीं कोना ऐसा अब जिसने जिसको इसने रंगा नहीं बचा नहीं कोना है साहब जिसको इसने रंगा नहीं फिर भी कुछ सत्ता के लो भी फिर भी फिर भी कुछ सत्ता के लो भी गले इन्हें ही लगा रहे फिर भी कुछ सत्ता के लो भी गले इन्हें ही लगा रहे कुछ को भटके हुए किसी को मासूम सा बता रहे कुछ को भटके हुए किसी को मासूम सा बता रहे खंडित हुई अजान खंडित हुई अजान छीन ली इसने चंदन रोलियाँ खंडित हुई अजान छीन ली इसने चंदन रोलियाँ अपने ही अपनों से खेलें आज खून की होलियाँ अपने ही अपनों से खेलें आज खून की होलियाँ रचना का अंतिम बंद देखें कि धर्मयुद्ध धर्मयुद्ध में वीर सैनिको तनिक न घबरा जाना तुम धर्मयुद्ध में वीर सैनिक को तनिक न घबरा जाना तुम घर में भी कुछ छुपे भेड़िए इनको सबक सिखाना तुम घर में भी कुछ छुपे भेड़िए इनको सबक सिखाना तुम मां को मां को तुम पर गर्व तो ही तो अब अपना अभिमान है मां को तुम पर गर्व तो ही तो अब अपना अभिमान है शांतिरंगा है भारत का वीर देश की जान है शांतिरंगा है भारत की का वीर देश की शान है वीर सपूतों से भारत की भरी हुई हैं झोलियां वीर सपूतों से वीर सपूतों से भारत की भरी हुई हैं झोलियाँ अपने ही अपनों से खेलें की होलियाँ अपने ही अपनों से खेलें की होलियाँ अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एक ऐसे विशेष व्यंगकार को जो हमारे कमियों चपाल के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं समन्वयक हैं बहुत ही अच्छे व्यंगकार हैं आपने मंचीय व्यंग्यकार तो काफी देखे होंगे लेकिन सतमौला कमियों के चौपार में हमारी जो संपत्तियां हैं असर्ट्स हैं हमारी अमूल्य जो हमारी निधियां हैं उनमें से एक निधि का नाम होता है सुरेंद्र खास जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें सतमौला के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ आधा अधूरा आधे मन से आधी खुशी आधे गम के साथ कुदरत अपने स्थान पर चल रही है सब कुछ विधि विधान से हो रहा है ये दंगे ये जलसे तो होते ही रहेंगे और एक चीज़ जो जीवित रहेगी वो है हमारी संस्कृति और संस्कृति का सबसे बड़ी वाहक हमारी कविताएं जिससे हमारे क्षेत्र की हमारे परिवेश की सारी स्थिति आपके सामने आ जाती है गुरु ब्रह्म होता है माँ भी गुरु होती है मैं जब कविता के क्षेत्र में आया तो सोचा एक गुरु बनाऊं और आप विश्वास कीजिए कि गुरु की तलाश मेरी अभी भी पूरी नहीं हुई हालांकि कविताएं मैं सौ सवा सौ लिख चुका हूं, तो मैं आज भी उसी आह्वान के साथ आया हूं, उसी खोज के साथ आया हूं कि नए नए लोग मुझे यहाँ मिलेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको मैं गुरु बना सकूं, और वो भी मुझे देख लें कि आप मेरे में भी कुछ इस तरह की क्षमताएँ हैं कि वो मुझे अपना शिष्य बनाएँ एक हास्य व्यंग आप देखिएगा किस तरह चलता है मेरे साथ कि कुल कवियों में श्रेष्ठ बना दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं कुल कवियों में श्रेष्ठ बना दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे ऐसा गुरु बनाऊ हर कवि की एक इच्छा होती है हर क्रिकेटर की इच्छा होती है सचिन तेंदुलकर बने रिकॉर्ड बनाए कवि की भी एक इच्छा होती है कि एक बार उसे कम से कम लाल किले से पढ़ने का अवसर मिल जाए और मुझे उम्मीद है इस कविता के बाद मुझे कहीं ना कहीं से बुलावा आएगा आपकी शुभकामनाओं के साथ कि कुल कवियों में श्रेष्ठ बना दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं सारे गुरु व्यस्त मंच पर अब किसको गुरु बनाऊं मैं हो साहिर और गालिब से भारी उसको गुरु बनाऊं मैं रोजी भी बन गई कविताई रोजी भी बन गई कविताई महंगाई के इस दौर में मुझे घर पर आकर सिखा पढ़ा दे ऐसा गुरु बनाऊं में चैनल पे डिमांड बढ़ा दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं मंचों की मुझे शान बना दे मंचों की मुझे शान बना दे और कविताओं की पहचान बना दे गीतों की पहचान बना दे करुण हास्य ओज श्रृंगार को कूट कूट कर मुझमें भर दे और तरन्नुम की फुहार बना दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे कोई ऐसा गुरु बनाऊं मैं और मल्टीपर्पज खून खोले ओज कहूं तो खून खोले ओज कहूं तो भजन से देवता रिझाऊ में गधा हसादू हास्य व्यंग से भजन से करुणा जगाऊ में अद्भुत विभत्स शांत रौद्र का अभिप्राय बन रवि कवि के मेल की सत्यता दिखलाऊ में मल्टीपर्पज ऑलराउंडर और हर विधा पे छाऊं मैं बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे एक ऐसा गुरु बनाऊ नज्म कहूं तो मजमा कर दूं आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव कि नज्म कहूं तो मजमा कर दूं व्यंग कहूं मैं तीर सा उस्ताद दाग का मिसरा बन रस रंग बनू कबीर का खुसरो अमीर की छाप तिलक मतला बनू मैं मीर का गुलजार सरीका नमक इश्क का बक्ता बनू शकील का शिरोमणि का ज्ञान पीठ शिरोमणि का ज्ञानपीठ बस पद्मश्री पा जाऊं मैं और लाल किले से मुझे पढ़ा दे ऐसा गुरु बना विदेश यात्रा अध्यक्षता मुझे अति विशिष्ट स्थान मिले विदेश यात्रा अध्यक्षता मुझे अति विशिष्ट स्थान मिले प्रदीप प्रेमचंद नीरज जैसा पुण्यतिथि सम्मान मिले बीस दुशाले एक वर्ष में बीस दुशाले एक वर्ष में हर हफ्ते चेक भुनाऊं में और जीरो चार लगी हो जिसमें कैश लिफाफे पाऊ में <laughs> जीरो चार लगी हो जिसमें कैश लिफाफे पाऊ मैं फिर अपने ईमान इनाम दीवान भी मुझको दे दे एक ऐसा गुरु बनाऊं मैं बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे एक ऐसा गुरु बनाऊँ मैं एक ऐसा गुरु बनाऊं मैं बहुत बहुत धन्यवाद सतमला के सभी दर्शकों को शुक्रिया सुरेंद्र खास जी के अंदर एक विशेषता है कि ये हमारे व्यंगकार हैं बहुत ही श्रेष्ठ व्यंगकार हैं इन्होंने समाज के अनेक युवाओं पर की समस्याओं पर चाहे उनके नशाखोरी हो, हो चाहे वो प्लास्टिक बैन के बात हो पर्यावरण विशेष की बात हो चाहे एक चोर की मानसिकता केवल चोर वो नहीं जो चुपचाप कोई चीज़ उठा लेता है जो साहित्यिक चोरियां हो रही हैं उसके प्रति सचेत करती उनकी कितनी शानदार उनकी रचना थी तो मैं उनको साधुवाद देता हूं अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे व्योवृद्ध कवि और व्योवृद्ध कवि जो अपने जमाने भर का अनुभव अपने साथ लिए चलता है अनुभव के साथ कुछ विषाद भी होता है और विषाद के इतर जो हम मैं जिस व्योवृद्ध कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ वो अपने अंदर विनोद और हास से कूट कूट कर लेके हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे बीच में आ रहे हैं ललितपुर से श्री श्री नामदेव उर्फ काका जी या के साथ आप हंसते जाइए हमको हंसाते जाइए चमचमाते दांत मोती से दिखाते जाइए चौराहे पर चाट खाइए पैसा मांगे काट खाइए अब हम कवियों में समाज की व्यवस्थाओं में अंतर तो है इसके बारे में बात करना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं कि अंतर तो है अंतर तो है अंतर तो है चारे और कांस में चूहा और ताश अंतर तो है चौपर और ताश में अंतर तो है अंतर तो है घी तो और तेल में थाने और जेल में पैसेंजर और मेल में क्रिकेट और खेल में धक्का और ठेल में अंतर तो है अंतर तो है गधा और घोड़ा में गंतर तो है गधा और घोड़ा में साबुन और सोड़ा में चूहिया और फुड़िया और फोड़ा में इलायची और डोड़ा में अंतर तो है अंतर तो है सांड और बैल में बैटरी और सेल में सड़क और गैल में अंतर तो है अंतर तो है, तो है गुरु और चेला में ककड़ी और केला में मोटर और ठेला में भीड़ और मेला में अंतर तो है अंतर तो है कलम और पेन में आदमी और मैन में लेन और देन में अंतर तो है अंतर तो है डब्बा और केन में जीप और बैन में अमन और चैन में अंतर तो है अंतर तो है कापी और डायरी में तुकबंदी और शायरी में और शायरी में और श्रीमती और कायरी में अंतर तो है अंतर तो है करिया और खाकी में उधार और बाकी में कुदरती और झांकी में और काका और काकी में अंतर तो है अंतर तो है बैठे उठाने में झुरझुरी और जाड़े में विद्वान और पाड़े में बर्तन और भाड़े में रोटी और माड़े में अंतर तो है अंतर तो है बिक्री और बोनी में पाला और पौनी में खारी और रोनी में अंतर तो है अंतर तो है गुंगा और मोनी में लुहार और सोनी में ऐसे ही नोनी में अंतर तो है अंतर तो है हर और बखर में मखान और घर में गुड़ और शकर में अंतर तो है अंतर तो है बीड़ी और सिगरेट में कबड्डी और क्रिकेट में दरवाजे और गेट में अंतर तो है अंतर तो है देवर और जेठ में पीठ और पेट में स्वल और भरपेट में कानी और टेंट में अंतर तो है चूहा और बिल्ली में मिड़ला और किली में गेंद और सिल्ली में मजाक और खिल्ली में बिस्कुट और सिल्ली में लखनऊ और दिल्ली में अंतर तो है अंतर तो है तुम में और हम में पटाखा और बम में ज़्यादा और कम में अंतर तो है और अंतिम है कि एक्शन और खम में ठर्रा और रम में और वैसे हम सब में अंतर तो है धन्यवाद सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं फिर आपको ऐसे कवि से आप रूबरू कराता कर हूँ परिचित कराता कर हूँ जो हमारे बीच में गीत गज़ल के पुरोधा हैं और हमारे कार्यक्रम के सहनिर्देशक हैं मैं श्री कृष्ण माल्या जी को सादर आमंत्रित करता हूँ या जा, जोर जाता एक बात मैं आज बताना चाहता हूँ और मैं कभी राजनीति पर कविता लिखता भी नहीं हूँ लेकिन जब राजनीति किसी दंगे की किसी आतंक की रणनीति बन जाए तब एक कवि को जो है कलम उठानी पड़ती है और तब जो है लिखना भी पड़ता है तो एक एक पोस्ट अभी फेसबुक पे आई मैं पोस्ट देख लेता हूँ लेकिन मैं उसके कमेंट्स नहीं देखता हूँ लेकिन एक पोस्ट अभी आई और उस पोस्ट पर लिखा हुआ था कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के जिम्मेदार हैं और कत्ल के जिम्मेदार हैं उन पर मुकदमा चले इस पर आपकी क्या राय है सर तेरह सौ के करीब उस पर कमेंट थे मैंने खास तौर से उन कमेंट को ध्यान दिया और पढ़ा विशेषता क्या थी उस पूरी पोस्ट पर एक भी किसी मुसलमान का जो है मतलब किसी मुसलमान भाई का कमेंट नहीं था कि हम भी इसके विरोध में हैं या हम उसके इस का समर्थन करते हैं वहीं एक दूसरी पोस्ट थी जिस पर लिखा हुआ था कि कपिल सिब्बल इस दंगे के जिम्मेदार हैं उन्होंने जनता को भड़काया है उनको जो है उन पर मुकदमा होना चाहिए उन्हें सज़ा होनी चाहिए मुझे बताते हुए आपको बड़ा वो हो रहा है कि उन 800 कमेंट में से जहां ताहिर हुसैन की पोस्ट पर एक भी मुसलमान एक परसेंट मुसलमान का जो है उसके खिलाफ जो है वोट नहीं था या कमेंट नहीं था वहीं कपिल सिब्बल की पोस्ट पर पिछहत्तर परसेंट हिंदुओं के कमेंट थे कपिल मिश्रा हाँ, कपिल मिश्रा की पोस्ट पर पिछहत्तर परसेंट हिंदुओं के कमेंट थे कि कपिल मिश्रा इस दंगे के जिम्मेदार हैं ये शर्म की बात है और ये देखिए आप ये दंगे अगर आप देख रहे हो आप ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है ये तो बहुत किसी ने हिंसा भड़का दी नहीं साहब कोई हिंसा नहीं भड़काई गई पूरी तैयारी थी जिस तरह के इक्विपमेंट जिस तरह की चीजें उन्होंने इस्तेमाल की हैं जिस तरह की रणनीति उन्होंने इस्तेमाल की है वो रणनीति एक झटके में एक घंटे में दो घंटे में नहीं बनाई जा सकती ये पुरानी रणनीति थी जो धीमे धीमे चली आ रही थी तो मैंने उसी पर एक कविता लिखी मैं एक कविता पढ़ता हूँ आपके सामने हालांकि ये मेरा तेवर नहीं है ये मेरा तरीका नहीं है कविता पढ़ने का लेकिन अगर लिखी है तो मैं पढ़ने का प्रयास आपके सामने करता हूँ कि हम भारत भारत क्या करते हैं भारत भारत और एक एन पर आजकल एक मुद्दा चल रहा है और लोग कहते हैं बहुत जगह से आ रहा है कमेंट आ रहा है कि हम और मैंने एक पढ़ा एक एक वीडियो देखी और इस वीडियो में एक मौलाना जो है वो भरे सरेआम जो है भीड़ को भड़का रहा है और कहता है कि आप अपने गांव में अपने शहर में जो है आप किसी भी सरकारी अफसर को घुसने ना दें उसे अपने कागज़ ना दिखाएँ उसे अपनी जानकारी ना दें मैं वहीं से एक कविता मैंने लिखी है देखेगा एक नजनुमा कविता है कि फ्री पानी फ्री बिजली कबूल है कि फ्री पानी फ्री बिजली कबूल है जलता देश जलती दिल्ली कबूल है कि फ्री पानी फ्री बिजली कबूल है जलता भारत जलती दिल्ली कबूल है जहरीले भाषण कबूल है कि जहरीले भाषण कबूल है फ्री में राशन कबूल है जहरीले भाषण कबूल है फ्री राशन कबूल है कोई जलता रहे जलता कोई जलता है जलता रहे कबूल है कोई मरता है मरता रहे कबूल है सड़कों पे बैठेंगे हम सड़कों पे बैठेंगे हम जाम हम लगाएंगे लेकिन किसी को अपने कागज नहीं दिखाएंगे so, लेकिन किसी को अपने कागज नहीं दिखाएंगे और देखेगा कि आगे देखेगा हज सब्सिडी कबूल है क्या हज सब्सिडी कबूल है गैस सब्सिडी कबूल है एक धर्म एक कम्युनिटी कबूल है कि हज सब्सिडी कबूल है गैस सब्सिडी कबूल है एक धर्म एक कम्युनिटी कबूल है और नफरत की एसिडिटी कबूल है कि नफरत की एसिडिटी कबूल तो है और भ्रष्ट नेता भ्रष्ट अफसर कबूल है कि भ्रष्ट नेता भ्रष्ट अफसर, अफसर कबूल है देश में व्यापार के जितने मिले सारे अफसर कबूल है और व्यापार करेंगे हम व्यापार करेंगे हम लेकिन टैक्स जमा नहीं कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए मगर किसी को अपने कागज़ नहीं दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए मगर किसी को अपने कागज़ नहीं दिखाएंगे और ये भी देखेगा अपनी कि अपनी ढफली अपना राग कबूल है।, मज़भ। है कि अपनी ढफली अपना राग कबूल है कबूल नहीं कोई मज़हब पर मजहबी आग कबूल है कि अपनी ढफली अपना राग कबूल है कबूल नहीं मज़हब कोई लेकिन मजहबी आग कबूल है और गुल और गुलशन को हो जाए कितना भी नुकसान मगर हमें शाहीन बाग कबूल है अपनी ढ़पली अपना राग है कोई मजहब नहीं कबूल फिर भी मजहबी आग कबूल है और घर के अंदर तो रखेंगे पैक बुरके में मगर, तो मगर खुलेआम सड़कों पे अपनी औरतों को धरने पे हम बिठाएंगे और चाहे कुछ भी हो जाए मगर अपने कागज नहीं दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने कागज नहीं दिखाएंगे और ये देखेगा कि चिकन बिरयानी रोटी रुमाली कबूल है कि चिकन बिरयानी रोटी रुमाली कबूल है देश के रक्षकों को गाली कबूल है भाई साहब बैठे ये हमारे देश की रक्षा करते हैं और बड़ा दर्द होता है जब कोई देश के रक्षक को गाली देता है वो लोग जो सियाचिन और चीन के बॉर्डर पर जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है या राजस्थान जहाँ प्लस पचास और पैंसठ के पचास पचपन के करीब टेम्परेचर रहता है उसमें खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करता है और जब उसे कोई गाली देता है तो मुझे दर्द होता है और मैं उस दर्द को पढ़ता हूँ कि चिकन बिरयानी रोटी रुमाली कबूल है देश के रक्षकों को गाली कबूल है और गरीबी भुखमरी बदहाली कबूल है और खून से भर कर चले नाली कबूल है के बिजली के देश के रक्षकों को गाली कबूल है गरीबी भुखमरी बदहाली कबूल है खून से भरकर चले नाली कबूल है और मदरसों में लेंगे आतंक का आतंकी प्रशिक्षण कबूल है कि मदरसों में लेंगे आतंकी प्रशिक्षण कबूल है देश में कहीं भी मिले आरक्षण कबूल है कि मदरसों में लेंगे प्रशिक्षण आतंकी प्रशिक्षण कबूल है देश में कहीं भी मिल जाए आरक्षण कबूल है और बड़े पैमाने पर करेंगे दंगे आगजनी फिर भी अपने आप को माइनॉरिटी बताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए मगर अपने कागज नहीं दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए मगर अपने कागज नहीं दिखाएंगे ब्रेक लेना चाहूंगा क्योंकि सतमौला कवियों की चौपाल को हम तरज तो ताजगी के साथ सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सतमौला कवियों की चौपाल में आप लेते रहे खट्टी मीठी गोलियों के चटकारे पनीर का स्वाद हम लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम अल्प विराम के बाद फिर हम आपके बीच में आएंगे सतमोला कवियों की चौपाल में जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ की क्या है जब सतमोला पिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई भाग गई जी भाग गई अरे कोई बात नहीं उसे तो बचपन से भागने का शौक है, है? सतमोला का कुछ भी पचा हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन इससे बेहतर है नथिंग सतमोला नमकीन टेस्ट है बेमिसाल पनीर भुजिया भी कमाल इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन सीएम साहब हमारे तीस विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए अब सीएम नहीं रहे सत्मोला। तो अब नया हम कौन बन रहे हैं। सत्मुला खाओ, कुछ भी बचाओ। मैं सैन्य अधिकारी को आमंत्रित करना चाहूंगा जिनका नाम होता है राजेंद्र तिवारी स्वदेश जी जो हमारे बांदा जिले से हमारे बीच में आया जोरदार तालियों की साथ तालियों का ध्वनि चाहिए जब तक तो हमारे बीच में हिंदुस्तान की मिट्टी में मैं पलकर बढ़ने वाला हूँ और हिंदुस्तान की मिट्टी में मैं पलकर बढ़ने वाला हूँ मैं मस्त हूँ देश की भक्ति में मैं फौजी मतवाला हूँ मैं फौजी मतवाला हूँ इधर लगातार कहा कि उनको जैसे मेरा थोड़ा गला सही नहीं है मैंने मना किया था लेकिन बोला आपको आना है सुभाष बोस का गठन हूँ मैं चंद्रशेखर की आजादी हूँ मैं भगत सिंह सा मतवाला मंगल पांडे सा बागी हूँ लक्ष्मी बाई हो वीर शिवा मैं तेवर हूँ उनका खुद में लाला लाजपत गंगाधर बल्लभ भाई भी है मुझ में जितने नायक आजादी के उनका बसंती चोला हूँ रंग बसंती चोला हूँ मैं मस्तु देश की भक्ति में मैं फौजी मतवाला हूँ मैं फौजी मतवाला हूँ मैं ईद दिवाली होली हूँ मैं प्रीत प्यार की बोली हूँ सीमा पर सीस उठाए जो उसके सीने में गोली हूं मैं किसी धर्म में भेद नहीं मेरे खातिर बस देश सही मेरा मजहब बस एक यही मैं सरहद का रखवाला हूँ हाँ, मैं मस्त हूँ देश की भक्ति में मैं फौजी मत वाला हूँ मैं फौजी मत वाला हूँ तो आज देख रहे हैं सीए के विरोध के रूप में जिस तरह देश जल रहा है दिल्ली भी जल उठी

मेरे बेटे ये माँ तुझ पेवारी रहे जंग जारी रहे जंग जारी रहे मेरे बेटे ये माँ तुझ पेवारी रहे जंग जारी रहे जंग जारी रहे क्या कहती भारत माँ अपने बेटों से चाहता है अगर तू कड़े हौसले नाम रब का तुले हर कदम जब चले फ़र्ज की राह में ओ मेरे लाडले दिल में हिंदुस्तान की पहरेदारी रहे जंग जारी रहे जंग जारी रहे आप देख रहे अंकित शर्मा को किस तरह मारा गया क्या वो यह विरोध पर था नहीं कुछ और था आप रतन लाल जी को जिस तरह मारा गया सरजमी के लिए सर कटे गम नहीं जो राष्ट्र जानते हैं सरजमी के लिए सर कटे गम नहीं मौत भी तब लगे जिंदगी है यही आबरू है यही आरजू है यही ये हमारी जमी है हमारी रहे जंग जारी रहे जंग जारी रहे, जंग जारी रहे। मेरे बेटे ये माँ तुझ पे वारी रहे जंग जारी रहे जंग जारी रहे आज जिस तरह से हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा है गली गली घूम रहे भेड़िए हिंदुता भारत माँ खून चूसने के लिए सब खाते जैसे भाई साहब ने सुनाया सब कुछ चाहिए यहां से लेकिन गीत वहीं गाना है जी। तो उनके लिए भारत है मेरे खून से ये पलते हुए भेड़िये रल हाथों में मलते हुए भेड़िये हर गली में टहलते हुए भेड़िये भेड़ियों में तिवारी शिकारी रहे जंग जारी रहे जंग जारी रहे मेरे बेटे ये मां तुझ पेवारी रहे जंग जारी रहे जंग जारी रहे। बोलो जय हिंद अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो हमारे ही हमारे परिवार के व्यक्ति हैं हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के भिंड मुरैना संभाग के हमारे वो अध्यक्ष हैं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह शिवेंद्र बहुत ही गीत गजल मुक्तक के प्रखर हस्ताक्षर हैं मंचों के आ, वहाँ पर एकमात्र सिद्धस्थ मतलब हमारे कवि मित्र कहलाते हैं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह शिवेंद्र कई अन्य कला क्षेत्र की संस्थाओं को की पालना भी करते हैं मैं ऐसे वरिष्ठ अपने साथी डॉक्टर शिवेंद्र सिंह शिवेंद्र को बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत क्योंकि अभी बीच में जो है भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती थी तो उस पर मैंने जो है कन्या के ऊपर एक मुक्तक लिखा है मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ कि नहीं कन्या हो जिस घर में वो घर शमशान होता है नहीं कन्या हो जिस घर में वो घर शमशान होता है और खुदा जिस रोज कन्या दे वो दिन रमजान होता है ओ किसी शुभ कार्य में कन्या चले मंगल कलश लेकर वहीं तीरथ है दुनिया के वही भगवान होता है वही तीरथ है दुनिया के वही भगवान होता है और देखिए चार पंक्तियां बेटी के नाम कि दिवाली ईद होली सब बिना बेटी अधूरे हैं दिवाली ईद होली सब बिना बेटी अधूरे हैं इबादत भागवत रोजा बिना बेटी न पूरे हैं इबादत भागवत रोजा बिना बेटी न पूरे हैं ओ बिना बेटी नहीं सावन और बिना बेटी न रंगोली जो घर में हो बहु बेटी तो चारों धाम पूरे हैं जो घर में हो बहु बेटी तो चारों धाम पूरे हैं और देखिए जब बेट में बेटी को ढूंढ में मार दिया जाता था उस पर मैंने एक दर्द भरी चार पंक्तियां लिखी हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं परी बन के माँ तेरे घर आऊंगी मैं परी बन के माँ तेरे घर आऊंगी बनकली तेरे आंगन में झर जाऊंगी आ तो जाने दिमा इस धरा पर मुझे तेरा आंगन सुगंधी से भर जाऊंगी तेरा आंगन सुगंधी से भर जाऊंगी और यहां से मेरा श्रृंगार शुरू होता है एक दिन दिल तुम्हारा पिघल जाएगा एक दिन दिल तुम्हारा पिघल जाएगा पर समय रूप रंग को निगल जाएगा आप इनकार कर यूं ही करते रहे प्यार का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा प्यार का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा प्यार हमने किया तुमने जाना नहीं हमको अपना कभी तुमने माना नहीं और प्यार करना न करना गुजार से है ये अब हमें अपने दिल से भुलाना नहीं अब हमें अपने दिल से भुलाना नहीं प्रेम के छंद में गुनगुनाता रहूं आप सुनते रहें मैं सुनाता रहूं लेके आया हूं मैं नेह रस गेह भर आप पीते रहें मैं पिलाता रहूं आप पीते रहें मैं पिलाता रहूं जिंदगी के जहर पीने आया हूँ मैं गीत के कुछ पहल जीने आया हूँ मैं जिस गली में कदर दान गीतों के हैं जिस गली में कदर दान गीतों के हैं वह गली वह शहर छूने आया हूं मैं वह गली वह शहर सुने आया हूं मैं और अंतिम तक देखिए कि भावना प्रेम की रक्तरंजित हो भावना प्रेम की रक्त रंजित जितना हो साधना जिंदगी की कलंक कितना हो साधना जिंदगी की कलंक कितना हो प्रेम में साधगी हो न हो बासना प्रेम है शाह करो जो किसंग कितना हो प्रेम है शाह करो जो किसंग कितना हो और आज्ञा दे तो एक अंतिम मुक्तक और पढ़ दूँ कि अब मोहब्बत की तुम मत परीक्षा करो अब मोहब्बत की तुम मत परीक्षा करो प्रेम पावन है ये मत समीक्षा करो चाहता हूँ तुम्हें सब हदें तोड़ कर चाहते तो रखो पर प्रतीक्षा चा करो चाहते तो रखो पर प्रतीक्षा करो सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिन कवि मित्रों को आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने साथ वो मेरे सहयोगी होते हैं यानी इस कार्यक्रम के सहनिर्माता होते हैं संजू कुमार सूर्यम ठाकुर और ठाकुर जी की ये विशेषता है कि ये घनाक्षरी भी पढ़ सकते हैं और मुख्त भी पढ़ सकते हैं यानी कि जहाँ चाहे उछल कूद करके जा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ इनका अनुशासित करते हुए आमंत्रित करता हूँ कि अगर वो आज ऐसे छंद या घनाक्षरी पढ़ें जो आज की ज्वलंत समस्या है यानी कि आज हमारे देश को जो झुलसाने की कोशिश हो रही है उस पर किस प्रकार उसका नियंत्रण कर सके उस पर पानी की छीटे मारे जा सकें यानी कि हमें केवल अहिंसा के छीटे नहीं चाहिए हमें सद्भावना के छीटे चाहिए हम कैसे अपने मजबूत रहे हमारा देश उस पर चिंतन करते हुए मुझे पंक्तियाँ चाहिए जोरदार तालियों के साथ संजय कुमार सूर्य ठाकुर जी कि वतन की शान में यारो लहू अपना बहाएंगे वतन की शान में यारो लहू अपना बहाएंगे बदन में सांस जब तक है तिरंगा ऊंचा उठाएंगे बदन में सांस जब तक है तिरंगा ऊंचा उठाएंगे हमारे देश की मिट्टी हमें जन्नत से प्यारी है हमारे देश की मिट्टी हमें जन्नत से प्यारी है करे कोई चोट भारत पे तो हम लाशें बिछाएंगे करे कोई चोट भारत पे तो हम लाशें बिछाएंगे और मैं उन दुश्मनों से फिर एक मुक्तक के द्वारा फिर परास्त करने का प्रयास करता हूं मेरे रंगों में वो खून है जो भारत माता की मिट्टी का है और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो जो इस मुल्क को बांटने का विचार पाल बैठे हैं तो उनको मैं एक मुक्तक से जवाब देता हूं कि किसी भी प्रकार से मुल्क को बांटने नहीं देंगे तब तो मैं कहता हूं कि कभी भी शान अपने देश की घटने नहीं देंगे कभी भी शान अपने देश की घटने नहीं देंगे सिपाही देश के सच्चे कदम हटने नहीं देंगे सिपाही देश के सच्चे कदम हटने नहीं देंगे सजाया भाल पर हमने तिरंगे का कफन यारो सजाया भाल पर हमने तिरंगे का कफन यारो कसम श्री राम की हमको जमी बटने नहीं देंगे कसम श्री राम की हमको जमी बटने नहीं देंगे और ऐसे कई मुक्तक हैं मेरे मैं सीधा सीधा एक गीत पढ़ता हूं मैंने उसमें बात कही है कि वंदे मातरम आज से नहीं मैंने हजारों सालों से इसको गाया है मातृभूमि हमारे लिए पूज्य रही है तो मैं सीधा सीधा वो गीत पढ़ता हूं वंदे मातरम एक बार जुड़िए कि कृष्णा की बंसी ने गाया ने दोहराया कृष्णा की बंसी ने गाया सुदामा ने दोहराया बूढ़े भीष्म पितामह गाए अभिमन्यु जौहर दिखलाए बूढ़े भीष्म पितामह गाए अभिमन्यु जौहर दिखलाए अभिमन्यु जौहर दिखलाए अर्जुन का गांडीव टंकारा अश्वत्थामा मार पसारा कुरु छेत्र के कड़कड़ गाते गीत बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे बंदे मातरम, बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे और यहां से नहीं मैंने एक बार फिर जोड़ने का प्रयास किया कि बंदे मातरम कब से गाया जा रहा है तब मैंने कवियों ने हमेशा गाया वो बंद पढ़ता हूं कि तुलसी कबीरा सूर तुलसी कबीरा मीरा सूर राष्ट्र प्रेम से रहे न दूर जय शंकर वर्मा ने गाया, गाया। प्रेम चंद को बहुत भाया प्रेम चंद को बहुत ही भाया प्रेम चंद को बहुत ही भाया ओज मई दिनकर ने गाया मातृभूमि का प्रेम दिखाया भारतेंद्र ग्रंथों में पाते गीत बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे बंदे मातरम मैं इसमें यह नहीं कहना चाहता हूं कि बंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा वो बात नहीं है यानी मातृभूमि का प्रेम हमेशा रहा है हमारे एक एक जन जन में मैं एक एक, एक बंद पढ़ता हूं कि लंका जीत राम ने लीनी भक्त विभीषण विनती कीनी राम यही राजा बन जाओ प्रभु लंक का मान बढ़ाओ राम यही राजा बन जाओ प्रभु लंक का मान बढ़ाओ प्रभु लंक का मान बढ़ाओ हम सब दास तुम्हारे दाता तुम हो मेरे भाग्य विधाता हम सब दास तुम्हारे दाता तुम हो मेरे भाग्य विधाता राम तभी उसको सिखलाए गीत बंदे मातरम बंदे बंदे मातरम बंदे बंदे मातरम और और एक एक बंद और पढ़ करीब बीस बंद का ये मेरा गीत है बहुत बड़ा गीत है अंतिम बंद पढ़ता हूं कि किस किस ने गाया गला खराब हो रहा है कि सीमा के सरदार गा रहे देश के पहरेदार गा रहे तुम हिमालय की चोटी से गोली से बिखरी बोटी से गोली से बिखरी बोटी से तोप और बंदूकों से आती चीर चीर दुश्मन की छाती चीर चीर दुश्मन की छाती बड़े-बड़े दुर्गों को ढाते गीत मातरम बड़े-बड़े बंदे 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 मातरम जय जय बंदे मातरम जय जय बंदे मातरम चार चौपाल के साथ बने रहिए, अगले अगर आपके अंदर भी नवांकुर कवि के रूप में आपके अंदर बीजारोपण हो चुका है अंकुर फूटने लगे हों यानी कि अगर मैं कहूँ तो आपको अंदर से कीड़ा काटने लगा हो कविता का तो तुरंत उसका रामबाण इलाज सतमौला कवियुग चौपाल में है क्योंकि हमने एक सीगमेंट हमने ये भी चालू कर रखा है कि नवांकुर कवियों को ही नहीं श्रोताओं में से भी जिसको कविता करने का शौक चर्राता है तो हम उसको चरने के लिए बुला लेते हैं सतमोला कवि चौपाल में एक दो कवियों को हम ऐसे श्रोताओं के रूप में बुलाते हैं आप आ सकते हैं नवांकुर कवि के रूप में हमारे बीच में आ सकते हैं नवांकुर कवियों के बीच में हमारे बीच में पधार सकते हैं आपको सबसे बड़ा हमने एक और सिंहपेंट चालू किया है सतमोला कवियों के चौपाल के साथ हम आप हमारे आजीवन सदस्य बन सकते हैं आजीवन सदस्य बन करके आप प्रत्येक वर्ष दो बार हम आम आपको आमंत्रित करेंगे छः छः महीने के अंतराल में यानी कि आप आजीवन हमारे साथ दो हज़ार रुपये के सहयोग निधि जमा करा कर आजीवन सदस्य बन सकते हैं आजीवन सदस्य बनने के लिए नवांक कवि के रूप में कविता पाठ करने के लिए आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर को ध्यान से पढ़िए नोट करिए नाइन सेवन वन 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 एट टू वन एट थ्री नाइन सेवन ट्रिपल वन एट टू वन एट थ्री पर हमें कॉल कीजिए व्हाट्सअप कीजिए मैसेज कीजिए हमारी जो टीम है कांटेक्ट टीम आपसे संपर्क करेगी अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ बने रहिए सतमोला कवियों की चौपाल में नमस्कार बहुत धन्यवाद आप सभी का अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नाम नामक ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है तो केवल ये कार्यक्रम ही नहीं बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं जो सारे संसार के अंदर जाता है तो ये बहुत बड़ा मंच है एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ बहुत अच्छा लगेगा हमारा आशीर्वाद इस पूरी पूरी संस्था के लिए है सतमोला कवि चौपाल के लिए है और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है बहुत प्यार है आप सब आए और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को क्या रणीन ड्राइवर के साथ भाग गई भाग गई जी भाग गई अरे कोई बात नहीं उसे तो बचपन से भागने का शौक है, है? कुछ भी पचा। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन इससे बेहतर है नथिंग सतमोला नमकीन इस टेबी में साल फनी है कमाल इसके टेस्ट के सब शॉकिंग हाँ सात नमकीन सात मोला स्वीट्स एंड नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ सात नमकीन हा, सीएम साहब हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए हबाब सीएम नहीं रहे तो अब नया कौन बन रहा है? रहे सतमुला खाओ कुछ भी बचाओ